सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम सैडी है और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ANT स्पोर्ट्स के B450 MA04N वाले मदरबोर्ड के बारे में, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो। तो आज हम लोग इसके अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे और चेकआउट करेंगे कि कैसा ये परफॉर्मेंस देता है। तो दोस्तों, इसके पहले मेरे पास जो है वो A320 GB का मदरबोर्ड था, जो कि बहुत अच्छा था, ऑलमोस्ट 6-7 ईयर्स वो चला था, वो भी मैं आप लोग को बाद में बताने वाला हूँ। बट दोस्तों, मैंने अभी इसको अपग्रेड करने का सोचा है और दोस्तों ये मदरबोर्ड में आपको यहाँ पे LEDs भी मिलते हैं। तो सर, पुराना वाला मेरा गीगाबाइट का A320M है और इससे एड ऑन क्या B450 में मिलता है, वो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, इसकी प्राइसिंग है बहुत ही ज्यादा कम में मुझे मिला है, 4000 रुपीज के अंडर मिला है, जबकि अगर मैं B450M जो है अगर मैं गीगाबाइट का उठाता था तो वो मुझे गीगाबाइट का अगर खरीदता था तो मुझे ऑलमोस्ट 5000 से 6000 रुपीज तक मिलता है। दोस्तों, इसमें सारी चीजें अवेलेबल है, USB 3.0 है, M.2 का सपोर्ट है, उसके साथ दोस्तों यहाँ पे ये भी लिखा है कि यहाँ पे जो कैपेसिटर्स है वो भी ज्यादा सॉलिड है, मतलब ऑलमोस्ट जो गीगाबाइट के जैसे रगेड आप बोल सकते हो मदरबोर्ड है, वैसे ही आप लोगों को मिलते हैं। दोस्तों, राइजन और एथलॉन के सारे AM4 सॉकेट को सपोर्ट होता है, सारे प्रोसेसर को सपोर्ट होता है। उसके साथ दोस्तों पीछे साइड हम लोग देख सकते हैं, वहां पे भी हमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शन लिखी है। तो फटाफट से दोस्तों टाइम नहीं खिलाते, चेकआउट करते हैं कि यहाँ पे कैसा ये प्रोडक्ट दिखता है। हालांकि फ्लिपकार्ट ने जो भी भेजा तो उसकी पैकेजिंग बहुत ही ज्यादा गंदी हो गई है, बट फिर भी हम लोग देखते हैं कि जो है मदरबोर्ड वर्क करता है कि नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों CPU सपोर्ट भी लिखा है, तो वो आप पहले चेक करो और उसके बाद ही आप आपके CPU जो है प्रोसेसर को कौन सा प्रोसेसर है वो चेक करो और उसके बाद ही आप इसको खरीदो। दोस्तों, अनबॉक्स करते हैं आप लोग जैसे, तो यहाँ पे आपको IO शील्ड मिलती है, मतलब अच्छी क्वालिटी की है। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे आप लोग को ANT स्पोर्ट्स के कुछ ड्राइवर्स मिलते हैं और वारंटी कार्ड भी मिलता है, तो ये सारी चीज आप लोग को संभाल के रखनी है। हालांकि वो CD यूज में नहीं आएगी, आप लोग को वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे ड्राइवर्स अवेलेबल है, तो वहां से आप लोग उसको कर सकते हो। उसके बाद आप लोग को मिलता है एक SATA केबल, जो कि बेसिकली आपके पास पहले से ही होगी, बट फिर भी आप लोग को एक एड ऑन मिल जाती है। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे आप लोग को एक मदरबोर्ड मिलता है जो कि ANT स्पोर्ट्स का है, जो कंपोनेंट्स दोस्तों इसके अंदर लगाए हैं, जो फील इसमें आ रहा है दोस्तों, क्वालिटी जो लग रही है मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो फटाफट से बात करते हैं क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे मिलती है। सबसे पहले तो ग्राफिक कार्ड का पोर्ट मिलता है, 2 RAM स्लॉट्स मिलते हैं। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे CPU की 24 पिन मिलती है, आपको यहाँ पे प्रोसेसर के लिए आता है जो कि आपका AM4 सॉकेट वाला प्रोसेसर आप इंस्टॉल कर सकते हो। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे आप लोग को CMOS बैटरी मिलती है और राइट साइड में ऊपर के साइड आप लोग देख सकते हो, वहां पे आप लोग को जो है 4 SSD वरना हार्ड डिस्क का आपको सपोर्ट मिलता है और बाकी जो नॉर्मल चीजें हैं वो आप लोग को यहाँ पे मिल ही जाती है। पीछे की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को VGA पोर्ट मिलती है, जो कि अगर आपका कोई एथलॉन का है तो वहां पे आप डायरेक्ट चला सकते हो। HDMI मिलती है और 4 आपको 3.0 मिलते हैं, 2 आप लोग को 2.0 मिलते हैं और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आप लोग को इंटरनेट की जो लैन केबल है वो भी आप लोग को सॉकेट मिल जाता है और नीचे आप लोग को थोड़े से हेडफोन जैक और सब कुछ मिलता है। सेम दोस्तों ये जो गीगाबाइट में है वैसे ही इसमें है, ज्यादा कुछ मुझे यहाँ पे डिफरेंस नहीं लगा है, तो ऑलमोस्ट सेम ही हम बोल सकते हैं। बट दोस्तों क्वालिटी है वो सच बोली तो मुझे गीगाबाइट से भी अच्छी लगी। आप लोगों को कभी भी चेकआउट करना है कि CMOS बैटरी के जो है ओपन करके आप उसमें चेक करो कि उसके नीचे कोई स्टिकर लगा है क्या, अगर वैसा है तो वो ब्रांड न्यू बैटरी है, उसको निकाल के फिर ही उसको इसमें इंस्टॉल करो वरना वो कॉन्टैक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से कुछ है, मैंने CMOS चेक किया है और अभी मैं फटाफट से जो अपना प्रोसेसर इंस्टॉल करता हूँ AM4 सॉकेट वाला और उसके बाद हम लोग फटाफट से जो है हमारा PC सेटअप करते हैं और चेकआउट करते हैं कि ये कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। दोस्तों, टेम्परेचर अंडर कंट्रोल है, मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है, ग्राफिक कार्ड भी यहाँ पे लगाया है, आप देख सकते हो एक रेड कलर की स्ट्रिप मिलती है, ये आपको मैं बोल रहा था जो लाइट्स आप लोगों को मिलती है वो इस तरह से कुछ है। लेकिन ये मदरबोर्ड की आप भी इसको परचेस कर सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ। पहले चेक करो कि आपका प्रोसेसर कौन से ब्रांड का है और कौन से सॉकेट का है और उसके बाद ही आप इसको परचेस करो। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, कुछ क्वेश्चन क्वेरीज है तो मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके बता सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।